पहले में क्या था, ये दोनों वेक्टर कैसे थे, परपेंडिकुलर, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। और अगर आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता है तो हम उनके बीच का एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं। यहाँ से आएगा फाइव टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए स्क्वायर और माइनस फाइव टाइम्स ऑफ ए डॉट बी और प्लस टेन टाइम्स ऑफ ए डॉट बी एट होगा, और एट होगा डायरेक्ट में लिखता हूँ ना, तुम लोगों ने कैलकुलेशन कर तो लिया है ना। अच्छा मॉड ए और मॉड बी कितना दे रखा है, वन, और ये फोर बी है तो डायरेक्ट लिखोगे तो आएगा फाइव और माइनस फोर ए बी और प्लस का टेन ए बी, तो प्लस का सिक्स ए डॉट बी आएगा तो उसको लिख देंगे कॉस थीटा, ए और बी के बीच का एंगल थीटा मान लेते हैं, और फिर ये आ जाएगा माइनस एट। बोलो हाँ भाई ना, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, तो थीटा कितना आ जाएगा 60। दो लाइन का सवाल था। अच्छा इसमें क्या करना है, ए और बी दो वेक्टर दिए, सी एक वेक्टर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ तो इसको आप वैसे ही लोगे, बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी इक्वल टू बी क्रॉस ए आएगा, यहाँ से बी वेक्टर कॉमन करोगे तो ये सी माइनस ए बन जाएगा और इसको जीरो कर दोगे, इसका मतलब सी माइनस ए वेक्टर लैम्डा बी हो जाएगा, तो वेक्टर सी आप क्या अज्यूम करोगे, लैम्डा बी प्लस ए वेक्टर। और आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सी डॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है, जीरो, जैसे ही सी का ए से डॉट लोगे तो लैम्डा बी डॉट ए प्लस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस मॉड ए स्क्वायर बाई बी डॉट ए, ए और बी आपको पता ही है, लैम्डा माइनस थ्री बाई टू, बस। तो मॉड ए कितना है, मॉड ए आपका रूट सिक्स, बोलो, और ए डॉट बी कितना है, वन प्लस टू प्लस वन, फोर, देखते जाना, तो ये आ जाएगा माइनस सिक्स बाई फोर, क्या माइनस थ्री बाई टू आ रहा है क्या, बोलो, यस यस। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी थी, सी डॉट बी की, तो सी डॉट, अच्छा इसमें क्या है, देखो स्मार्टली डील करना था, इसमें कुछ लोग क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रखेंगे तब सिंप्लीफाई करेंगे, जबकि वैक्टर ए और बी की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सी वैक्टर नहीं बताना है, आपको क्या बताना है, C डॉट बी। अब जैसे आप C डॉट बी करोगे तो C डॉट बी एक्चुअल में होगा क्या, लैम्डा मॉड बी स्क्वायर माइनस प्लस ए डॉट बी, ए डॉट बी आप निकाल चुके हो फोर, मॉड ऑफ बी कितना है, रूट थ्री, तो मॉड ऑफ बी स्क्वायर कितना आ गया, थ्री लैम्डा प्लस का फोर, बोलो भाई, और इसकी वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, कितनी आ रही है, तो माइनस नाइन बाई टू प्लस का फोर, तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस हाफ, क्या माइनस हाफ। आप कुछ लोग इसमें क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू रख के वेक्टर निकालेंगे, फिर वो सब करने की जरूरत नहीं है, कि क्वेश्चन पहले पढ़ो, क्वेश्चन में सी डॉट बी चाहिए तो सी डॉट बी के हिसाब से प्लान करो, इसी है, अपना टाइम और कैलकुलेशन थोड़ा बचा ले जाएंगे, है कि नहीं, चलो इससे ज्यादा जो है टफ चीजें जनरली वेक्टर में नहीं आ रहा, आएंगी तब की तब, समझ लिया जाएगा। तो अब हम यहाँ तक चीजें समझ चुके हैं, अब हमें आज की क्लास में पढ़ना था स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, आज हम ये दो चीजें पढ़ेंगे, समझ रहे हो कि नहीं भाई। चलो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट से जैसे जैसा नाम लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये तो फील आ रहा होगा कि ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद पहली बात तो तीन वेक्टर का प्रोडक्ट होगा बिकॉज इट्स ट्रिपल प्रोडक्ट, और ट्रिपल प्रोडक्ट के बाद जो वैल्यू निकल के आएगी वो स्केलर आएगी, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो क्या होगा, ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर। अच्छा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, बॉक्स प्रोडक्ट भी कह देते हैं। अगर ये तीन नॉन जीरो वेक्टर हैं तो इसका मतलब होता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जिसको हम बॉक्स ऑफ ए बी सी भी बोलते हैं, समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर्स, ए डॉट बी क्रॉस सी, A डॉट B क्रॉस C, समझ गए, कोई साइन नहीं है, क्या बेटा, बॉक्स में जो लिखा है तीनों के बीच में कोई साइन नहीं है, नहीं नहीं वो ये लिखा है, इसका मतलब इसको लिखना है A डॉट B क्रॉस C, मतलब A डॉट B क्रॉस C। अच्छा अब इंपॉर्टेंट बात, सेम साइक्लिक सेंस में बॉक्स प्रोडक्ट को कई तरीके से लिख सकते हैं, जैसे A B C है, A से शुरू करोगे तो A डॉट B क्रॉस C बोलोगे, B से शुरू करोगे तो B डॉट C क्रॉस A बोलोगे, C से शुरू करोगे तो C डॉट A क्रॉस B, मतलब सेम
साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन करेंगे एबीसी, तो ए लिखें तो बी क्रॉस सी, बी लिखें तो सी क्रॉस ए, सी लिख से डॉट लेंगे तो ए क्रॉस, मतलब एबीसी सेम साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन होगा, ए बी सी सेम साइक्लिक ऑर्डर। मेरी बात समझ रहे हो? अरे हाँ या ना जी सर, बस वेरी गुड। ये हो गया बॉक्स प्रोडक्ट होता क्या है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है क्या, वो क्या रिप्रेजेंट किया जाता है, उसकी बात डन हो गई। बाकी अभी इसको हम डिटर्मिनेंट से कनेक्ट करेंगे, तो डिटर्मिनेंट की जितनी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है वो सारी प्रॉपर्टी हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में उठा के लगा देंगे। अच्छा, ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो आएगा हमेशा क्या स्केलर वेक्टर कभी आएगा, और सेम साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है सेम। अच्छा, आप देखो ध्यान से, लेट हम ए वेक्टर ले लें ए वन आई प्लस बी वन जे प्लस सी वन के, बी वेक्टर को आप ले लो ए टू आई, या ऐसे करो ए को आप ले लो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के, बी वेक्टर को ले लो बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, सी वेक्टर को ले लो सी वन आई प्लस सी टू जे प्लस सी थ्री के। तो जो बॉक्स प्रोडक्ट ए बी सी हुआ ना, यानी कि ए डॉट बी क्रॉस सी हुआ, वो हो जाता है ए वन ए टू ए थ्री ए वेक्टर, बी वन बी टू बी थ्री बी वेक्टर, सी वन सी टू सी थ्री सी वेक्टर का डिटरमिनेंट। क्यों भाई, हमें चाहिए सबसे पहले बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी हो गया आई जे के, बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, अरे हाँ है ना। और जब हम इसका ए से डॉट लेंगे तो क्या होगा, आई के कोफिशिएंट के साथ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई के कोफिशिएंट में यही तो आएगा, अरे हाँ yes, ना। तो जैसे ए वन आई इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब यहाँ पे ए वन आ जाएगा, यहाँ पे ए टू और यहाँ पे ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री सेम रहेगा। कितने लोग ये बात समझे? Yes, sir. तो अगर हमें तीन वेक्टर पता है और हमें उसका बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है, तो बॉक्स प्रोडक्ट लिखने का तरीका क्या हुआ, सीधा तीनों वेक्टर के जो कोफिशिएंट है उनको लिख के एक डिटरमिनेंट बना लेंगे, वही बॉक्स प्रोडक्ट आ जाएगा। समझ में आया? आप सोचो, अगर सेम साइक्लिक ऑर्डर रखोगे तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम क्यों होती है, क्योंकि सेम साइक्लिक ऑर्डर करने में आपको दो इंटरचेंज करने होते हैं, और दो इंटरचेंज करने के बाद डिटरमिनेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए सेम साइक्लिक ऑर्डर रखने में बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा सेम। अब सोचो, जैसे आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज करोगे तो इसका मतलब ये रो और कॉलम आपस, ये दोनों कॉलम आपस में क्या होंगे, रो आपस में क्या होंगी इंटरचेंज, तो पूरा डिटरमिनेंट किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वन से। इसीलिए अगर मैं बॉक्स ऑफ ए बी सी कहूं और इसको लिख दूं बॉक्स ऑफ ए सी बी, तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए सी बी लिखूंगा तो बाहर क्या लगा दूंगा, समझ रहे हो? इसको मैं ऐसे समझा सकता था या ऐसे ही बोल सकता हूँ, ये लिखा हुआ है ए डॉट बी क्रॉस सी और ये लिखा हुआ है ए डॉट सी क्रॉस बी, सी क्रॉस बी लिखने के लिए बाहर क्या लगाना पड़ेगा माइनस। तो जैसे आप साइक्लिक ऑर्डर चेंज करेंगे बॉक्स प्रोडक्ट में तो बाहर क्या लग जाता है माइनस साइन। अच्छा, कुछ बुक्स ऐसे भी कहती हैं कि जैसे आपने लिखा ए डॉट बी क्रॉस सी, तो बुक कहती है कि आप डॉट और क्रॉस को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। बेसिकली वो इंटरचेंज नहीं होता है, मतलब आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी भी बोल सकते हैं। दिखा, डॉट और क्रॉस आपस में क्या हो गया इंटरचेंज, बट ये सेम साइक्लिक है एबीसी एबीसी, और सेम साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है सेम। तो डॉट और क्रॉस इंटरचेंज नहीं हुआ है, बेसिकली वो सेम साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होती है सेम, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। यहां तक लिखी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। हाँ बेटा पूछो, लास्ट पॉइंट में क्या बोला आपने, डॉट और क्रॉस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं ऐसा दिख रहा है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि सेम साइक्लिक ऑर्डर में बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू सेम होती है, इसलिए ऐसा दिखता है। भाई अगर हम ऐसे बोले तो रफ लैंग्वेज में कि हमने डॉट की जगह क्रॉस कर दिया, क्रॉस की जगह डॉट कर दिया, बट ऐसा हुआ नहीं है। yes, ये क्योंकि बॉक्स प्रोडक्ट सेम लिखा हुआ है इसलिए ऐसा दिखता है। नहीं समझ रहे हो?
यहाँ तक कोई दिक्कत या डाउट हो तो बोलो। चलो यहाँ तक एकदम समझ गए, वेरी गुड। अब आओ, डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, अगर डिटरमिनेंट में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट की सारी किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम से किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में अगर कोई कांस्टेंट है तो वो पूरे डिटरमिनेंट से क्या हो जाता है, कॉमन। सेम लॉजिक, अगर आपको लैम्डा ए म्यू बी और डेल्टा सी का बॉक्स प्रोडक्ट लिखना है तो क्या आप लैम्डा म्यू डेल्टा बॉक्स ऑफ ए बी सी बोल सकते हो इसको? यस यस सर। इसमें कोई डाउट? यहाँ पे लैम्डा म्यू डेल्टा कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं? नहीं। या हम ऐसे बोले लैम्डा ए म्यू बी डेल्टा सी है, अरे लैम्डा ए म्यू बी, लैम्डा ए ये मान लो वेक्टर सी है, तो क्या हम इसको अगर ऐसे लिख दें कोई दिक्कत, ए लैम्डा बी और सी, या ऐसे लिख दें कोई दिक्कत ए बी लैम्डा सी, बोलो। लैम्डा तो किसी भी रो में मल्टीप्लाई हो सकता है ना, हाँ या ना, ये बात समझ में आ रही? ये तो सिंपल प्रॉपर्टी किसकी है, डिटरमिनेंट। और बॉक्स प्रोडक्ट क्या बन गया एक तरीके से, डिटरमिनेंट तीन, हाँ थ्री क्रॉस थ्री का, तो उसमें जितनी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी वो सब लग जाएंगी। नहीं समझ रहे हो भाई? यस सर। गुड, हो गया। एक सेकंड सर, नोट कर लो, नोट कर लो। लिख लिया? यस सर। अब आओ, इसके बाद डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी, अगर कोई भी दो रो सेम हो या वो हो सेम रेशियो में हो तो वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो। जीरो। सेम लॉजिक से अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होता है। यस सर। अगर ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट है ये जीरो होगा कब? कोई भी दो पैरेलल हो, मतलब ऐसे नहीं, when when any two vectors are equal or parallel तो फिर box product of a b c क्या आएगा? ये बात कितने लोग समझ रहे हो? कोई भी दो vector parallel या equal होंगे तो बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी? जीरो। ध्यान रखिएगा बॉक्स प्रोडक्ट जीरो होने का ये मतलब नहीं वेक्टर पैरेलल है, मतलब इसके अलावा भी इसका मतलब हो सकता है, बट अगर कोई दो वेक्टर पैरेलल या इक्वल हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट सर्टेनली क्या होगा? जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल टू ए बी एंड ए, बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। लिखा कि नहीं? ए बी ए बॉक्स प्रोडक्ट इज जीरो। जीरो। दो वेक्टर सेम आ गए ना? अरे हाँ या ना, यहाँ सेम रेशियो में आ गए, बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो। हो गया। अच्छा और सोचो, तीन वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कब हो सकता है? जब एबीसी कोप्लेनर वेक्टर हो, व्हेन ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर। अगर एक कोप्लेनर वेक्टर्स हैं,
तो बॉक्स ऑफ एबीसी हमेशा क्या होगा? को प्लेनर से मेरा मतलब क्या है, जैसे ये एक प्लेन है, इस प्लेन पर ए भी है, इसी प्लेन पर बी भी है और इसी प्लेन पे सी भी है. Yes, बताओ ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, तो प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा. ए के बी वो क्या होगा? ए के बी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर. इसका मतलब डॉट ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होगा? जीरो. समझ गए कि नहीं? तो अगर तीन वेक्टर कैसे हैं, को प्लेनर हैं, तो भी उनका बॉक्स प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? जीरो. इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बताओ. अरे हाँ है ना, समझ गए? तो फील आया कि नहीं भाई? समझ आया होगा जी सर. यानी अब आपने ओवरऑल रिजल्ट क्या निकाला कि कहीं भी अगर बॉक्स ऑफ एबीसी जीरो दिया है तो इसके आउटपुट क्या क्या सोच सकते हो? एक तो ऐसा हो सकता है क्या कि एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल और इक्वल, इक्वल और पैरेलल. पैरेलल एक तो ये हो सकता है. दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एबीसी आर प्लेनर. पहली बात तो नॉन, मतलब या तो पैरेलल हो, को प्लेनर ना हो तो भी चलेगा. कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो, आया ना, और वो को प्लेनर ना हो तो भी जीरो होगा, या तीनों को प्लेनर हो तो जीरो होगा. तो जीरो से दो आउटपुट निकलते हैं. अब जैसे आपसे ये कह दे एबीसी आर थ्री नॉन जीरो वैक्टर्स, नॉट एनी टू वैक्टर्स आर पैरेलल, तो इसका मतलब अगर ये बॉक्स प्रोडक्ट जीरो है तो सिर्फ क्या रिजल्ट लगेगा? अदरवाइज पैरेलल वाली कंडीशन भी वैलिड हो सकती है. ये सब हमने अभी डिटरमिनेंट से ही निकाला है. समझ में आ रहा होगा सबको? और ये अंडरस्टूड है नॉन जीरो वेक्टर से, क्योंकि अगर कोई वेक्टर जीरो हो गया तब तो बॉक्स हमेशा क्या आ जाएगा? जीरो. हो गया. Yes, चलिए इसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट पे दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट. पहला, ये आपने पढ़ा भी है, अगर मैं आपसे ऐसे कहूं कि आर वन ई वन क्यू वन पी वन ए पी टू बी पी थ्री सी क्यू वन ए क्यू टू बी क्यू थ्री सी आर वन ए आर टू बी आर थ्री सी, ये वेक्टर जो होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ पी वन पी टू पी थ्री क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री आर वन आर टू आर थ्री इंटू बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी. अगर ए बी सी को प्लेनर है तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन पे होगा, तो अगर ए बी सी को प्लेनर है तो ये जीरो होगा, ये वाला बॉक्स प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा? बट आपको सीधा अगर इनको, अच्छा वैसे तरीका इसको करने का क्या होगा, इन दोनों का क्या लोगे? क्रॉस, और फिर इसके साथ उसका क्या लोगे? डॉट. पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये डिटरमिनेंट बाहर आ जाएगा और ये वैल्यू है. तो अब बार बार हम डॉट क्रॉस करने में इतना टाइम वेस्ट क्यों करेंगे? हम सीधा एबीसी का कोफिशिएंट, एबीसी का कोफिशिएंट, एबीसी वेक्टर कोफिशिएंट और बॉक्स ऑफ एबीसी लिख देंगे. नहीं आया समझ में? यहाँ पे ये सब पी क्यू आर ये सब क्या है? जीरो भी हो, क्या ही फर्क पड़ता है? कोई एक जीरो ले लो, दो जीरो ले लो, सारे जीरो ले लो, सब जीरो ही हो जाएगा. क्या ये रियल नंबर ले लो? लिख लिया? एक सेकंड सर.
जैसे अब आपसे मैं ये पूछूं, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया, ए प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट आता है वो आता है टू टाइम्स ऑफ ए बी सी, और ऐसे ही ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, इसका जो बॉक्स प्रोडक्ट आता है वो जीरो आता है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं, अगर आपके दिमाग में रह गए तो कैलकुलेशन थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अच्छा, करने का तरीका एकदम सिंपल है, अगर हमें पहला वाला रिजल्ट प्रूव करना होगा, अगर हमें ये प्रूफ करना था तो इसका मतलब हमें क्या करना था, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने थे, तो क्या लिखते हैं हम कोफिशिएंट बताओ, 1 1 0 0 1 1 फिर 1 1 0, बोलो भाई 1 0 1, क्या सही लिखा है, मैंने चेक करो, बॉक्स ऑफ ए बी सी। अभी हम डिटरमिनेंट सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं, 1 2 आ रही है तो नहीं, प्लस 1 और साथ में बॉक्स ऑफ ए बी सी, फाइनल आंसर क्या आ जाता है, 2 times बॉक्स ऑफ। हाँ बेटा पूछो 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 नहीं सर गलती तो हो गया था। अब यहीं पे सोचो, अगर हमें अगला वाला करना हो तो सेम लॉजिक से क्या है, जीरो आ रहा है, देखो जरा जल्दी चेक करो, इसमें इसकी वैल्यू क्या लिखोगे, डिटरमिनेंट 1 -1 0 0 1 -1 -1 0 और 1, और ये क्या आ जाएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, देखो क्या है, जीरो आ रहा है, 1 -1 आ तो रहा है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको तुरंत कितना टाइम सी होगा आप बता सकते हैं, आप बता लेंगे तो थोड़ा ऊपर कर दीजिए लिखना, एक सेकंड बेटा कर रहा हूं, इसकी वैल्यू आपको बतानी, क्या लिख रही है, यहां से इस ये लैम्डा की वैल्यू बता, अच्छा ये पता है ना, 3 वेक्टर अगर एक ही प्लेन पे हैं तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी प्लेन पे होता है, 3 वेक्टर अगर को प्लेनर है तो उनसे बनने उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनने वाला कोई भी वेक्टर कहाँ होगा, उसी प्लेन, ये ध्यान रखिएगा। लिख लिया भाई, सेवेंटी थ्री आ रहा तो जी सर, तो लैम्डा की वैल्यू सीधा सीधा आपने क्या लिखी होगी, 2 -1 1 1 3 -4 2 4 5, अच्छा आप सोचो गड़बड़ी ये हो जाती, जैसे यहाँ पे 3B और यहाँ पे A लिखा होता तो पहले इसको ABC के फॉर्म में लिखो, ये ध्यान हमेशा, नहीं तो फ्लो फ्लो में क्या हो जाता है, ये 3 और ये 1 यहाँ आने लगता है, ये ध्यान रखना हमेशा कि ABC सेम ऑर्डर में लिखे होने चाहिए। अब सीधा निकाल दो तो 2 करोगे तो 15 + 8 = 16, यस सर 16, और 5 - 8 एंड 4 - 6, बोलो 5 + 8 तो 5 + 8 आएगा, और बस आंसर कितना आ रहा है, 73 आ गया, तो समझ में सबको, किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ सर। अच्छा
फिर याद होगा आपने दो डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई किए थे किसी भी ऑर्डर में, याद है आपको? अब सोचो अगर मैं दो बॉक्स प्रोडक्ट ले लूं, एक बॉक्स प्रोडक्ट में ले लूं पी क्यू आर और एक बॉक्स प्रोडक्ट में ले लूं ए बी सी, दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट स्केलर ही आएगा और वो ये आता है। पी वेक्टर सबसे मल्टीप्लाई कर दो, पी डॉट ए, पी डॉट बी, पी डॉट सी, फिर क्यू वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू डॉट ए, क्यू डॉट ए, क्यू डॉट बी, क्यू डॉट सी, फिर आर वेक्टर मल्टीप्लाई कर दो, तो आर डॉट ए, आर डॉट बी, आर डॉट सी। अच्छा रो कॉलम कैसे भी इंटरचेंज कर दो, उससे कोई फर्क नहीं, क्योंकि हम वेक्टर मल्टीप्लीकेशन कैसे भी कर सकते हैं ना, रो टू रो, कॉलम टू कॉलम, कॉलम टू रो, रो टू कॉलम, याद आया? तो बस एक वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट, दूसरा वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट, तीसरा वेक्टर उठाओ तीनों से डॉट, ये होता है दो वेक्टर का, दो बॉक्स प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन। ये इतना इंपॉर्टेंट रिजल्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, अगर मैं दोनों बॉक्स प्रोडक्ट सेम लिख दूं, मतलब बॉक्स ऑफ एबीसी का होल स्क्वायर, तो एबीसी का एबीसी से ही प्रोडक्ट होगा, क्या होगा? ए डॉट ए, ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर बी डॉट ए, बी डॉट बी, बी डॉट सी, फिर सी डॉट ए, सी डॉट बी एंड सी डॉट सी। तो इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी, और ये बताना जरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं, yes. Yes, sir. Yes. सोच के जवाब देना, क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? सिमेट्रिक डिटरमिनेंट मतलब भाई ये बजा। अब हमें सोचो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट पता हो, मतलब हर पेयर का डॉट प्रोडक्ट पता हो और सबका मैग्नीट्यूड पता हो, तो क्या हम बॉक्स प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? बोलो। बहुत फेमस क्वेश्चन है, आईटी ने पूछा था, उन्होंने क्वेश्चन लिखा था एंगल बिटवीन, नहीं एबीसी आर थ्री यूनिट वेक्टर्स एंड एंगल बिटवीन ईच पेयर इज 60 डिग्री, ए बी एंड सी आर थ्री यूनिट वेक्टर and angle between each pair is 60 degree, find box of ABC। तो जो ऐसे तो वैक्टर दिए ही नहीं है, कुछ करने की वही नहीं बनी, बट हमें पता है कि box of ABC का स्क्वायर कितना होता है, बोलो। मॉड ए स्क्वायर ए डॉट बी, ए डॉट सी, फिर a dot b mod b square and b dot c, फिर c dot a, b dot c और mod c square, याद आया कि नहीं? और अगर सारे यूनिट वेक्टर हैं तो mod a, mod b और mod c कितना हो गया? 1। और अगर हर पेयर के बीच का एंगल 20 है तो a dot b, b dot c और c dot a cos 120, cos 60 मतलब हाफ हो गया। अब बस यही वैल्यू उठा के रख दीजिए, कितना आएगा ये? वन हाफ हाफ, अरे हाँ या ना, फिर हाफ वन हाफ और हाफ हाफ वन, तो बताओ बॉक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी? व्हाट इज बॉक्स ऑफ एबीसी? क्विक, क्वेश्चन समझे कि नहीं क्या किया मैंने और क्यों यही काम किया बताओ? कहाँ से लिखना है तुम लोगों को? यहां से। कितना रहा बेटा? 1/√2। यस सर, ये आएगा हाफ, यहां से आता है 1/√2। देखो भाई, वैसे तो प्लस माइनस 1/√2 बोल सकते हैं, दोनों आंसर सही है, बट 1/√2 इज द ऑप्शन। कितने लोगों को समझ आया ये? बोलो भाई, सही है तो? किसी को डाउट आ रहा तो अपनी बात रख सकता है। तो क्या हम
एबीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता और उनके बीच का एंगल पता हो तो हम बॉक्स प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, बोलो? यस सर। तीनों वेक्टर पता हो तो हम निकाल ही लेंगे। अरे हाँ है ना, जैसे मैं अगर एकदम स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ लूं, वेक्टर ए इज 2i माइनस जे, वेक्टर बी इज i प्लस जे माइनस 2k एंड वेक्टर सी इज 3i माइनस जे प्लस 4k, और मैं आपसे पूछूं फाइंड बॉक्स एबीसी, क्या होगा आंसर? क्विक, तुरंत आप बॉक्स एबीसी डिटरमिनेंट बनाओगे कि नहीं? यस। बताओ डिटरमिनेंट सॉल्व करके क्या आंसर आएगा? बॉडी कितना आ रहा? बॉडी 14। देखिए एक आंसर 14 बता रहे हैं। माइनस नहीं, जीरो आ रहा है? जीरो तो नहीं आ रहा है। फोर्टीन ठीक है वैसे तो, 14 आ रहा है। 14 सही है, 10 प्लस 4। यस सर, सही है आंसर इज 14। सीधा एबीसी में भाई वैल्यू रख के सीधा सिंपलीफाई मार देना, आंसर आ जाना। नहीं आया क्या? हाँ। चलो ये तो बॉक्स की बात हो गई, बॉक्स कैसे निकाला जाता है। अब बॉक्स आप इतनी देर से पढ़ रहे, तो बॉक्स का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या है ना? हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। एक सेकेंड, या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब ज्योमेट्रिकली हम बॉक्स प्रोडक्ट को कैसे देखते हैं। स्केलर क्वांटिटी है बट वो क्या है ये समझने की जरूरत है। देख लिया? Yes. Yes. चलो अब आते हैं ज्योमेट्रिकली बॉक्स प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा है। तो देखो जरा, बॉक्स ऑफ ए बी सी की अगर मैं बात करूं, तो आप इसको बोलते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी। अरे हाँ है ना, यानी आप इसको बोलेंगे मॉड ए मॉड ऑफ बी क्रॉस सी इंटू कॉस थीटा, जहां पे थीटा क्या होगा? थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी। अच्छा, इसी को आप बोलेंगे मॉड ए मॉड बी मॉड सी कॉस थीटा साइन अल्फा, जहां पे अल्फा क्या होगा? एंगल बिटवीन दो वेक्टर बी एंड सी। देखो जरा ध्यान से, अरे हाँ या ना, ये रिप्रेजेंटेशन कितने लोगों को समझ आ रहा है भाई? थीटा क्या होगा और अल्फा क्या होगा, ये बात समझ में आई सबको? नहीं आई? यस सर। अब ये तो मैंने अभी ज्योमेट्री पे नहीं आया हूं, अभी तो मैं इसको एनालाइज कर रहा हूँ, फिर ज्योमेट्री पे आऊंगा होता क्या एक्चुअली। अब सोचो, सपोज एक क्वेश्चन अगर आपके सामने आए कि ए बी एंड सी आर यूनिट वेक्टर्स, ठीक है, एंड बॉक्स ऑफ ए बी सी इज वन, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? ये होगा तो क्या एनालिसिस होगा? अब ध्यान से सुनिए, अगर बॉक्स ऑफ ए बी सी की वैल्यू वन है तो इसका मतलब यूनिट वेक्टर है, तो मॉड ए मॉड बी और मॉड सी भी कितना है? वन। तो इसका मतलब बॉक्स ऑफ ए बी सी को आप कॉस थीटा कॉस अल्फा लिख, कॉस थीटा साइन अल्फा लिख सकते हो कि नहीं? हाँ या ना जवाब देते जाना। अच्छा, है क्या, है क्या थीटा किसके बीच का एंगल है? ए और अल्फा किसके बीच का एंगल है? बी और सी। आपसे कहा गया ये वैल्यू वन है, तो इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट वन सिर्फ एक कंडीशन पे होगा, जब कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होगी? वन। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? क्या -1 -1 पॉसिबल है? क्योंकि ये -1 नहीं हो सकता ना, क्योंकि साइन तो हमेशा पॉजिटिव होगा, बिकॉज
अल्फा एंगल जो है वो जीरो से पाई के बीच में होगा, जीरो से पाई में हो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो ये भी नेगेटिव ले नहीं पाएगा। अच्छा साइन थीटा कॉस थीटा वन होने का मतलब जीरो, और अल्फा पाई बाई टू। अच्छा अल्फा किन दो वेक्टर के बीच का एंगल है, और जीरो और अच्छा ये तो फैक्ट है कि जिस प्लेन पर बी और सी वेक्टर होंगे, जिस प्लेन पर बी और सी होंगे, बी क्रॉस सी उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, बोलो। अच्छा बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल कितना है, जीरो, बी क्रॉस सी और ए के बीच का एंगल थीटा, और थीटा कितना आ रहा है, जीरो, जीरो। यानी ए वेक्टर जो है वो कहाँ होगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, क्यों क्यों होगा ऐसा, क्योंकि वो उसी प्लेन पे होगा जिस प्लेन पे बी क्रॉस। ये बात कितने लोग समझ पा रहे हो, पहले तो ये समझाओ, इसी प्लेन पर कहीं कौन सा वेक्टर होगा ए, अच्छा ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय टू। ए और बी क्रॉस सी के बीच का एंगल कितना है, जीरो, जीरो डिग्री, जीरो। अच्छा बी और सी के बीच का एंगल कितना है, पाई बाय टू। यानी बी और सी आप वेक्टर भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर, और ए वेक्टर इसी प्लेन पे होगा कि नहीं, यस सर। यानी कि तीनों वेक्टर नॉन कोप्लेनर होंगे कि नहीं, यस सर। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, तो बोलो भाई, ये बात समझ में आई। अच्छा अब कोई ये कह दे कि क्या ए वेक्टर बी और सी के परपेंडिकुलर होगा, ये ट्रू है, yes. ना ये कैसे ट्रू हो गया भाई, सोच के देखो, ए वेक्टर है उस प्लेन में जो प्लेन इसके परपेंडिकुलर है, बस इतनी थ्योरी है। अब यहां पर ए वेक्टर तो कहीं भी हो सकता है ना, सपोज मान लो ये ए वेक्टर है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है, सोच के जवाब दो जरा, क्या ए बी सी के परपेंडिकुलर है, नहीं, बट बी है उस प्लेन पे जिस प्लेन पे क्या है, बी क्रॉस सी, बस सोचो क्या है, सही बनाया है, सोचो क्या ये सही बनाया है, परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, परपेंडिकुलर ही आना चाहिए, क्यों, सोच के जवाब दो, मेन चीज क्या थी सर, पैरेलल भी तो आ सकता है, नहीं नहीं पैरेलल ही आएगा, उसका लॉजिक ये है बी जो ए वेक्टर है वो इसके परपेंडिकुलर प्लेन पर इसी वजह से है क्योंकि वो बी क्रॉस सी के पैरेलल है, yes, क्योंकि वो बी क्रॉस सी के क्या है, पैरेलल, इसका मतलब वो हमेशा बी और सी, बी और सी के क्या होगा, परपेंडिकुलर, ध्यान रखिएगा ये एनालिसिस, समझ गए कि नहीं, yes. ये क्वेश्चन समझ में आया, इससे क्या क्या आउटपुट निकाला गया है, बोलो भाई, और ये आउटपुट कैसे निकाले गए समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी को ऐसे भी सोच सकते हैं, देख लीजिएगा कोई डाउट आ रहा हो तो बताइएगा। ये एनालिसिस सबको समझ में आया कि नहीं आया, नहीं आएगा, आया तो समझ आ गया सर, वेरी गुड, वेरी गुड। हो गया तो
लिख लिया? एक सेकंड रुक जाइए. अच्छा लिख लो. अच्छा मैंने जो स्ट्रेट लाइन के लेक्चर डाले वो कोऑर्डिनेट के पूरे लेक्चर डाले देखे हैं किसी ने ऑब्जर्व किया है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेडल इसको रिप्रेजेंट करता है. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड ये जो वॉल्यूम होता है ना ये होता है बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस. अब आपके जहन में आया होगा व्हाट इज पैरेललोपिपेड है? यस सर. आना भी चाहिए. देखो पैरेललोपिपेड क्या होता है, जैसे क्यूब पढ़ा है ना सब लोगों ने. यस सर. क्यूब में सारी साइड क्या होती है? बराबर और 90 डिग्री एंगल पे. मतलब वो स्क्वायर होती है ना. हाँ. क्यूबॉइड की तरह पैरेललोग्राम बना. क्यूबॉइड की जगह क्यूब में सारे सरफेस स्क्वायर होते हैं. इसमें सारे सरफेस क्या होते हैं? पैरेललोग्राम. बस ये अंतर. समझ गए होंगे मेरी बात. ऐसे चाहो ऐसे बना दो. बन गया दिखा. अब सारी साइड ज्वाइन कर दो. कितने लोग समझ पा रहे हैं मैं जो कहना चाह रहा था? बोलो. ये हो गया एक पैरेललोपिपेड. क्या सारी सरफेस पैरेललोग्राम है? अब होता क्या है, ये साइड वेक्टर होता है ए, ये साइड वेक्टर होता है बी और ये साइड वेक्टर होता है सी. ए ए बी सी मतलब तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर ए बी सी. ए बी सी आर थ्री एडजेसेंट साइड वेक्टर. बी क्रॉस सी से पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा. ए मल्टीप्लाई कर दे. नहीं नहीं प्रोजेक्शन मल्टीप्लाई करेंगे. हाइट वही हाइट का भी यूज आ जाता ना. वही हाइट निकालना सिखा देंगे अभी. तो ये होता है अगर एबीसी तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर है तो जो उसका वॉल्यूम होता है वो होता है बॉक्स ऑफ एबीसी. मैंने बताया था ना किसी रेगुलर सरफेस का वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है. अगर एक सेम सरफेस एच हाइट पे जा रही हो, एक सेम सरफेस एच हाइट पे जा रही हो तो उसका वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है ना बेस एरिया इंटू एक दिन मैंने बात बोली थी. यस सर. कोई सेम सरफेस एक सेम रेट से घटते हुए जीरो हो जा रही है. वन बाई थ्री टेट्राहेड्रन वैसे निकालेंगे. तो सोचो अगर मैं आपसे पूछूं इसका वॉल्यूम क्या होगा तो इसका वॉल्यूम होना चाहिए बेस एरिया इनटू हाइट. यही तो होना चाहिए. हाँ ना. अब सोचो बेस में क्या है? बेस में एक पैरेललोग्राम दिखा कि नहीं सबको? यस सर. बेस में आपको क्या दिख रहा है? एक पैरेललोग्राम. तो बेस एरिया तुरंत कितना मिल गया आपको? पैरेललोग्राम का एरिया आपने निकाला ना मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ ए क्रॉस. ए क्रॉस बी जो वेक्टर होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर. और अगर हम सी का ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में प्रोजेक्शन निकाल लें तो क्या हमें एच हाइट मिल जाएगी? कितने लोगों को ये बात समझ में आ रही है? हाइट एच यही तो होगी. अरे हाँ है ना. तो इसका मतलब हाइट क्या होगी? प्रोजेक्शन ऑफ सी अलोंग ए क्रॉस बी. अब ये तो सी का ए क्रॉस बी के अलोंग प्रोजेक्शन निकालना आपने सीखा है कि नहीं बताओ? क्या सीखा है? सी डॉट ए क्रॉस बी टाइम्स मॉड ऑफ ए क्रॉस बी यानी बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. वॉल्यूम क्या हुआ? बेस एरिया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. हाइट बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. तो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? बॉक्स ऑफ ए बी सी. इसीलिए पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम कितना होता है? नहीं समझे?
समझ पा रहे हो कि नहीं? और हाइट पैरेललोपिपेड की कैसे निकालते हैं, समझ में आया? प्रोजेक्शन, हाइट तो प्रोजेक्शन से ही निकलती, कहीं भी चाहे टेट्राहेड्रन हो चाहिए। देख लीजिएगा लॉजिक, समझ में आया? प्रूव इसका दिखा, प्रूव इम्पोर्टेंट है, असली खेल प्रूव में ही होगा जहां होगा। सर हाँ बेटा पूछो। जैसे अगर इसको छोड़ के कोई भी फिगर हो, नहीं नहीं फिगर कैसा होगा, या तो फिगर नहीं मतलब 3D अगर या हो, तो सिमेट्रिकली ऐसे रखा होगा एच हाइट पे, यस सर, या एक कांस्टेंट रेट सिमेट्रिकली टाइप, सिमेट्रिकल टाइप में। हाँ तो वो बेस एरिया, तो जैसे अगर एरिया वेक्टर्स में अगर हम लोग जो दूसरा मल्टीप्लाई कर दे तो वॉल्यूम आ जाएगा क्या? नहीं नहीं, एरिया वेक्टर आपने निकाला, वॉल्यूम इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये तो समझ में आ रहा होगा। हाँ स्केलर, हाँ एरिया वेक्टर आपने निकाल लिया, एरिया वेक्टर में उसकी जो साइड होगी जो उस प्लेन पे नहीं होगी, नॉन कोप्लेनर साइड, उसका प्रोजेक्शन ले लोगे तो आपको उसकी हाइट मिल जाएगी। यस, हाइट इनटू बेस एरिया मल्टीप्लाई करोगे वॉल्यूम के साथ, नहीं मतलब वो डॉट प्रोडक्ट ही हो गया, ऑब्वियसली डॉट ही होगा, प्रोजेक्शन का मतलब डॉट ही हो गया ना। यस मतलब हमें बेस वॉल्यूम निकालने के लिए बेस एरिया इंटू हाइट यूज करना है। इसमें जब हमने बेस एरिया इंटू हाइट यूज किया तो बेस एरिया और हाइट मल्टीप्लाई करने पर वो बॉक्स बन गया, इसीलिए yes. हम कहते हैं वॉल्यूम इज बॉक्स प्रोडक्ट। हाँ पूछो कुछ कह रहे हो। अब इसमें अलग अलग हाइट होती है, वॉल्यूम सेम रहेगा हर बार, हाइट अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर बेस ए और बी पे था तो हाइट ये थी, अब सोचो बेस अगर बी और सी पे होता तो हाइट क्या हो जाती, बॉक्स ऑफ ए बी सी अपॉन बी क्रॉस सी, हाइट चेंज हो गई कि नहीं? मतलब अगर हम इसको ऐसे घुमा के ऐसे रख देते, ऐसे, क्या ये बात मेरी समझ पा रहे हो कि नहीं तुम लोग? ए को लेते तो फिर ये वाली हाइट आ जाती ना, नहीं? तो वही है, बेस एरिया डिवाइड करते रहो बॉक्स वॉल्यूम में तो हाइट आती जाएगी, ये है कहने का मतलब। इसीलिए इसका प्रूफ मैंने बताया है क्योंकि एक दो बार हाइट पूछ ली गई है वेक्टर देके, तो हाइट क्या होती है समझ में आ गया, वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया। अब उस समय बेस क्या ले रहे हो, वो पैरेललोग्राम होगा तो बेस एरिया साइड का क्रॉस निकाल ही लोगे और हाइट वही निकाल। समझ पाए नहीं समझ पाए क्या हुआ है? बोलो भाई। तो अगर आप एबीसी तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर हैं तो ज्योमेट्रिकली बॉक्स प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? एबीसी अगर तीन नॉन कोप्लेनर, एबीसी अगर तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी क्या रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्मड बाई थ्री एडजेसेंट साइड वेक्टर ए बी सी। समझ गए कि नहीं? यस सर। यानी कि बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ एबीसी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या हुआ? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड फॉर्मड बाई थ्री एडजेसेंट साइड वेक्टर ए बी एंड सी, ये होता है इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। कितने लोग ये बात समझ पाए भाई? यस सर। गुड, तो तीन साइड वेक्टर आपको दे देंगे तो वॉल्यूम आप हर बार निकाल लिया करोगे, हाइट पूछेगा हाइट भी निकाल लोगे। नहीं समझे? हो गया सर। वेरी गुड, बात समझ में आ रही होगी जो मैं समझाना चाह रहा था? नहीं? यस सर। वेरी गुड, तो मतलब वॉल्यूम निकालना इज नॉट अ बिग टास्क, वो तो आराम से निकल आता है। बोलो भाई, वॉल्यूम निकालना बड़ा टास्क नहीं है, वो तो आप आराम से निकाल सकते हो, नोट कर लो जल्दी से। तो ब्रीफ कर देता हूँ एक बार ऐसे ही। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन में क्या था कि अगर एबीसी तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर थे तो उसका वॉल्यूम होता है 1/6 बॉक्स ऑफ एबीसी, एबीसी आर थ्री एडजेसेंट साइड वेक्टर। तो इसमें सबसे पहले जो वॉल्यूम निकालेंगे वो होगा 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट। बेस एरिया के लिए हम ये एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसके दो एडजेसेंट वेक्टर ए और बी हैं, तो बेस एरिया हो जाएगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। हाइट के लिए क्या करेंगे, ए क्रॉस बी वेक्टर इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, सी का उसकी डायरेक्शन में क्या निकालेंगे, प्रोजेक्शन, वही हाइट हो जाएगी। तो हाइट हो गया सी का प्रोजेक्शन ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो सी डॉट ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। अब हाइट आ गई, बेस एरिया आ गया, 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट करेंगे, ए क्रॉस बी से ए क्रॉस बी कैंसिल, 1/6 टाइम्स बॉक्स ऑफ एबीसी आ जाएगा। अगर रेगुलर मतलब टेट्राहेड्रन है उसके चारों
जो वर्टेक्स है उनका पोजीशन वेक्टर दिया है, तो किसी एक को फिक्स, एक एडजेसेंट पॉइंट फिक्स करते हुए तीन वेक्टर लिख लेंगे, ये हो जाएगा आपका डी माइनस ए, ये हो जाएगा आपका बी माइनस ए, ये हो जाएगा सी माइनस ए, तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर लेके वॉल्यूम लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डी माइनस ए, बी माइनस ए, सी माइनस ए का बॉक्स बाई सिक्स। अब अगर इसी की हाइट निकालनी हो तो क्या करोगे सर? वो हाफ इनटू बॉक्स ऑफ नहीं नहीं हाइट ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर और वॉल्यूम अपॉन बेस एरिया, और बेस एरिया कितना होगा 1/2 मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी माइनस ए हाइट। वॉल्यूम तो आप ऊपर निकाल ही लोगे ना? यस सर। अरे हाँ या ना बोलो। यस सर। वॉल्यूम भाई सीधा बेस एरिया डिवाइड कर देंगे तो आपको हाइट निकल आएगी। नहीं इसमें थ्री भी आएगा ना, थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इनटू बेस एरिया। अरे हाँ या ना? यस सर। थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम इनटू बेस एरिया, ये समझे थ्री क्यों आ गया? अरे बोलो भाई। यस सर। ऊपर वाले फॉर्म तो सिक्स टाइम्स लिख देना सीधा। अच्छा सॉरी ठीक है, 1/2 लिख दे। 1/3 बेस एरिया इनटू हाइट होता है ना, तो थ्री टाइम्स ऑफ वॉल्यूम बाई बेस एरिया करोगे तो हाइट आ जाएगी। सर वो ऊपर जो फॉर्मूला ही लिखा है उसी में हाइट था, सिक्स उधर भेजे थे, ए ए ए क्रॉस बी नीचे वही लिखा है ना, वही लिखा है। हम चाहते तो सीधे लिख देते थ्री वॉल्यूम बाई बेस एरिया, बट हमने इस डायग्राम से कैसे चीजें लिखेंगे वो सिखाया है बस, तब इसलिए ऐसा लिखा है मैंने। ठीक, वरना तो यही इतने में ही सब कुछ दिखता है, लिखने की जरूरत नहीं हो रही है। बताओ है क्या जरूरत? मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट ठीक है, लिखा होगा तो रिविजन करते वक्त दिख जाएगा ना कि कहाँ पे क्या काम किया है। नहीं ये yes, बस इसीलिए मेहनत की। अच्छा ये डी माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए वाला जो ये है वो उसमें भी लगा सकते हैं पैरेललोग्राम में? हाँ अगर तीन चार वाले में। नहीं नहीं पैरेललोग्राम में फिर सबके पोजीशन वेक्टर दिए होंगे तो फिर ज्यादा वेक्टर हो जाएंगे ना, उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो लगा तो सकते ही हो। हमें एट ए टाइम तीन एडजेसेंट क्या चाहिए साइड वेक्टर, वो वेक्टर कहीं से भी खोज लो, यहाँ से खोज लो, यहाँ से खोज लो, यहाँ से खोज लो, कहीं से भी तीन एडजेसेंट साइड वेक्टर खोज के वॉल्यूम का, वो कहीं से भी तीन वेक्टर खोज लो, क्या पता। ठीक है यस सर। चलो और पूछो, कोई कुछ कह रहा है? डन बोलो भाई, पक्का ना? यस सर। अब जरा आइए इस पर बेस एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर। मैंने उसके बाद उस दिन एक बात बोली थी, इसके लिए एक रिजल्ट आगे भी आएगा, याद आया आपको? ए का पोजीशन वेक्टर ए है, बी का पोजीशन वेक्टर बी है, सी का पोजीशन वेक्टर सी है और डी का पोजीशन वेक्टर डी है, तो यहाँ से कितने वेक्टर निकाल लो? तीन, तीन ए माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए, और तीनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि तीनों वेक्टर क्या है? याद है वही रिजल्ट आ जाएगा, x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। नहीं समझ में आया क्या? क्योंकि तीनों वेक्टर कोप्लेनर होंगे ना। अब इसमें जैसे अभी ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो किसी एक को क्या कर दो फिक्स, एक बार इससे इसको माइनस करो, एक बार इससे इसको माइनस करो, एक बार इससे इसको माइनस करो और डिटरमिनेंट बना दो। नहीं समझे क्या किया मैंने? क्वेश्चन समझे लॉजिक वाइज? तो मतलब क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि ये फोर पॉइंट ए बी सी डी आर को प्लेनर, तो कंडीशन क्या होती है ये लिखा है मैंने। कितने लोग ये बात समझे भाई, क्या लिख गया ये? तो तीन वेक्टर बना लो चार पॉइंट से और उनका बॉक्स क्या कर दो जी। अब क्वेश्चन आप कर लोगे तो सीधे इसके बाद बॉक्स प्रोडक्ट ही लिखो, तो क्या लिखोगे? 2 माइनस 3, 3 प्लस 2 माइनस 4 प्लस 1, फिर माइनस 1 माइनस 3, 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1, फिर 4 माइनस 3, 5 प्लस 2 और लैम्डा प्लस 1। इसको उठा कर दो जीरो, बस इस वाली रो पे ओपन कर देना, लैम्डा डायरेक्ट निकल आएगा। नहीं समझे? अरे हाँ या ना बताओ, लैम्डा क्या रहा है? ये कैसे लिखा, समझ में आया सबको कि नहीं? बताओ
दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तीनों वेक्टर का बॉक्स प्रोडक्ट जीरो कर दिया। क्या आया आंसर लैम्डा का, कोई बताए? लैम्डा की वैल्यू आ रही 143/17, ये आंसर एग्जैक्ट है, आईआईटी का क्वेश्चन है ये, आंसर इज -143/17, चेक करियो, सही लिखा मैंने, यही आंसर है इस क्वेश्चन का। अरे हाँ है ना, जे का क्वेश्चन है भाई, जहां लैम्डा है उसी पे ओपन कर दो भाई, इस वाली रो पे आंसर आ जाएगा, -143/17 आ रहा है, चेक करो बाकी लोग, किसी का आया आंसर? यही सही है। हाँ बेटा 145 हो जाएगा ना? ना 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 ना, 145 हो रहा है क्या? हाँ सॉरी 145 आ रहा तो यस सर, हाँ तो 145 कर लो। हाँ 145 ना, बोलो। यस सर, देखो 145 आ रहा है ना, ना 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 मैंने गलत कर दिया, ये 24 आता है ना, 146 आता है आंसर एक्चुअली, 146/17 ये एग्जैक्ट आंसर है, सॉरी। देखो जरा, ठीक है, आंसर इज -146/17, चेक करो सही है, अब तो सही है कोई। यस सर, तो अब इस तरह क्वेश्चन आप कर लेंगे, कर लोगे तो चलो। अब ये बताओ, ये सब कोप्लेनर है, तो लैम्डा क्या होगा? एबीसी नॉन कोप्लेनर है और एक्स वाई जेड कोप्लेनर है, तो लैम्डा क्या होगा? ये भी क्वेश्चन जेई का है, देखें इसमें क्या दिमाग चलाते हो तुम लोग, हम भी देखना चाह रहे हैं, बताओ जरा। कौन सी थ्योरी? वो जो लिखी है वहाँ, वो चार प्लेन, चार वेक्टर, इसमें जरा दिमाग चलाओ क्या करोगे। एबीसी तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं और एक्स वाई जेड तीनों वेक्टर कोप्लेनर हैं, तो लैम्डा क्या होगा ये बताना है। हाँ भाई, कोई कर पाया क्वेश्चन? दो लाइन के सवाल, जेड को एक बार एक्स प्लस लैम्डा वायर रखते हैं। अरे यार सिर कैसे चलेगा बेटा, देखो अगर एक्स वाई जेड कोप्लेनर है तो इसका बॉक्स जीरो, एबीसी नॉन कोप्लेनर है तो एबीसी का बॉक्स नॉट इक्वल टू जीरो, गुड। अब एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, Y लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है, Z लीनियर कॉम्बिनेशन है कि नहीं है,
और अगर ये जीरो है तो इसको आज की क्लास में आपने ओपन किया था, याद है? वन माइनस टू थ्री थ्री कैसे चलेगा ऐसे? ये एबीसी ये जीरो है, ये वैल्यू क्या है? नॉन जीरो। इसका मतलब क्या जीरो होगा? सर्टेनली ये वाला डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। बस इसी को उठाकर सीधा जीरो करना था क्वेश्चन में। अब आज के बाद जब भी आएगा तुरंत एबीसी का सारा कोफिशिएंट उठाकर क्या कर दोगे? जीरो। जीरो। अच्छा ये मैंने, अच्छा ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए इतना बताया, याद है? अगर ये आई जे के लिखा होता, आई जे के लिखा होता, आई जे के कैसे वेक्टर्स होते हैं? नॉन कोप्लेनर। और फिर अगर ये वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो कोफिशिएंट सीधा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी टू ए थ्री बी थ्री सी थ्री, याद आया कॉन्सेप्ट? तो बस एबीसी का सीधा कोफिशिएंट लेके आज के बाद जीरो कर दीजिएगा उठा के। बस कंडीशन ये होनी चाहिए एबीसी कैसे वेक्टर होने चाहिए? नॉन कोप्लेनर। दिखा आंसर क्या है? आंसर क्या आ रहा है लैम्डा का? थ्री आ रहा है। थ्री बता रहे हैं लैम्डा इज थ्री, चेक करो। अच्छा जो तुम सिसिर कह रहे थे ना बेटा कि वो एक्स टाइम्स, उससे भी सेम चीज आ जाती क्योंकि आप एबीसी के कोफिशिएंट को उठा जीरो करते और कहते हैं एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो कांस्टेंट, तो उसमें वो लैम्डा की वैल्यू जीरो आ जाती क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन बनती, तो वो डिटरमिनेंट जीरो करते और वो डिटरमिनेंट यही आया था। तो हम उतना क्यों जाएंगे हम, जब हमें ये चीज अब हमने पढ़ ली है, बोलो। yes. तो हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, उतना आगे तक क्यों जाएंगे सोचते हुए, बोलो। समझ पाए कि नहीं? yes. गुड, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लिक हुआ लैम्डा थ्री आ रहा है तो सबका? यस सर। गुड, देख लो किसी को डाउट आ रहा है तो अपनी बात बता सकते हो अभी तुरंत। थर्सडे को भी क्लास लूंगा मैं सेम 5 से 7:30, क्योंकि मैं 3D स्टार्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। हो गया? देख लो कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। चलिए इसके बाद इसमें बचे हुए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ए डॉट बी बी डॉट सी जीरो दिया हुआ है, एंगल बिटवीन ए एंड बी पाई बाय 6 दिया, तो ये तो आप कर ही लोगे। दो डॉट जीरो दिए, तीसरा डॉट यहाँ से निकाल लोगे और ये बॉक्स वाला रिजल्ट पता है ना आपको, वन वैल्यू वैल्यू जीरो वन वैल्यू, ये याद है? ये वैल्यू वैल्यू रख के सॉल्व करिए, कर लेंगे। चलो ये वाला भी हो ही जाएगा, बस चलो ये प्रूफ करके लाइएगा। ये कैसे प्रूफ करोगे? ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, देन मॉड ऑफ दिस वेक्टर इज दिस, जरा ये देखें कैसे करोगे। हाँ भाई ये बताओ कैसे प्रूफ करोगे? ए बी सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर वेक्टर है और डी एक यूनिट वेक्टर है, तो ये रिजल्ट प्रूफ करना है। है, दिखा? अब आज के बाद एक रिजल्ट है वो ध्यान रखिएगा। रिजल्ट ये है, ए बी एंड सी आर थ्री नॉन जीरो नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है? तो आप किसी वेक्टर आर को लिख सकते हैं, देन एनी वेक्टर आर। आपने इसको एक तो ऐसे लिखा था, लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, याद है? लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, म्यू टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए एंड डेल्टा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, अगर ए बी सी तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए भी क्या होंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं, थ्री डायमेंशन का कोई भी वेक्टर उन तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सोचो डी जो एक डॉट में है सबके वो निकाल लें, बस बस। तो हम डी वेक्टर को क्या लिख देंगे? लैम्डा टाइम्स ऑफ बी क्रॉस सी, म्यू टाइम्स ऑफ सी क्रॉस ए और डेल्टा टाइम्स ऑफ ए क्रॉस बी। अगर हम एक बार इसको ए से डॉट लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो, क्योंकि दो वेक्टर सेम आ जाएंगे। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बॉक्स ऑफ ए बी सी, यानी लैम्डा कितना आ जाएगा?
डी डॉट ए अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी सेम एज म्यू कितना आएगा, बी से डॉट लोगे तो डी डॉट बी अपॉन बॉक्स एबीसी सेम एज डेल्टा कितना आ जाएगा, डी डॉट सी अपॉन बॉक्स ऑफ एबीसी। अब लैम्डा में डेल्टा रख के दोनों साइड मॉड ले लेंगे सेम आंसर कर लोगे कि नहीं भाई। और डी भी कैसा वेक्टर है, यूनिट, तो मॉड डी कितना हो जाएगा वन, जैसे मॉड डी वन रखोगे तो इस पूरे का मॉड एबीसी के बराबर आ जाएगा। बताना है या कर लेंगे, बोलो भाई। क्या इसको बताने की जरूरत पड़ेगी, आप लोग कर लोगे तो उसका मतलब वेक्टर डी को क्या लिखने वाले हो, वन अपॉन बॉक्स ए बी सी इंटू डी डॉट ए बी क्रॉस सी, फिर डी डॉट बी सी क्रॉस ए एंड डी डॉट सी साथ में ए क्रॉस बी, और दोनों साइड मॉड डी क्या दे रखा है वन, बिकॉज डी इज यूनिट, मॉड ऑफ बॉक्स ऑफ ए बी सी किसके बराबर आएगा, मॉड ऑफ डी डॉट ए बी क्रॉस सी डी डॉट बी सी क्रॉस ए एंड डी डॉट सी ए क्रॉस। कितने लोग ये सब समझ रहे हो भाई, समझे तरीका कि नहीं भाई, बोलो। चलो डन हो गया मामला, ये चीज ध्यान रखने वाली है जो लास्ट में मैंने लिखा है, अगर तीन वेक्टर नॉन कोप्लेनर हैं तो किसी आर को या तो ऐसे लिखा जाएगा या ऐसे लिखा जाएगा, समझे कि नहीं। अब बात खत्म हो गई स्केलर ट्रिपल, इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा स्केलर ट्रिपल। अब हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। लिख लो बहुत पढ़ा दिया वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में, इन्हीं तीन वेक्टर की बात जो हो रही है ना, ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए, इन्हीं को लेकर रेसिप्रोकल वेक्टर्स बना दिए जाते हैं, ए डैश बी डैश सी डैश। लिख लिया भाई सबने, किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन तो अपनी बात बोलेगा, है क्या किसी को कोई डाउट या कंफ्यूजन है क्या भाई, बढ़े आगे। बोलो भाई। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, किसकी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, बस इतनी सी बात अपने को करनी है। ये वेक्टर में आखिरी चीज है, हाँ क्या नोट कर रहे हो, ये बॉक्स में लिखा है, लिखो फिर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की बात और करें। लिख लिया? हाँ लिख लिया सबने तो, यस का ना, बड़े आगे, यस। चलो अब बात करते हैं वेक्टर। अच्छा जैसे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट था तो वो एक स्केलर क्वांटिटी थी, सेम लॉजिक से वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, यस सर, बीच में क्रॉस होगा, ए बी सी आर थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स, देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी is equals to a dot c times of b minus a dot c times a dot b times of c,
ये होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसमें साइक्लिक वाइक्लिक ऑर्डर का कोई सेंस नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी, ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी एंड ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। मतलब जो अंदर दो क्रॉस वाले वेक्टर हैं, एक बार बी और एक बार सी, जब बी लिखेंगे तो बी के साथ लिखेंगे ए डॉट सी, और जब सी लिखेंगे तो उसके साथ लिखेंगे ए डॉट बी, और बीच में क्या लगाएंगे माइनस। हो गया। अच्छा, ये रिजल्ट एक तो ये है, इस डायरेक्ट इस रिजल्ट पे क्वेश्चन होते हैं, सही है। तो जब भी हमें वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालना होगा तो हम पहले बी क्रॉस सी, फिर ए से क्रॉस नहीं लेते हैं, हम क्या करते हैं ए डॉट सी करते हैं, उसको बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए डॉट बी करते हैं, उसको सी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और दोनों वेक्टर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यही रिजल्ट लगा के हम ये चीज सिंप्लीफाई करते हैं। बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आता है तो कई बार ये आ जाता है एबीसीआर थ्री वैक्टर जस्टिफाई वैक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आप एक बार ये वैल्यू निकालोगे क्रॉस प्रोडक्ट करके, एक बार ये वैल्यू निकालोगे डॉट प्रोडक्ट करके, अगर दोनों बराबर आ गए तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जस्टिफाई हो जाता है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? अब बात आती है, तो बात हो गई, अब ये है क्या, लिखा क्या है, ये ही क्यों आया, अब इस पर विचार शुरू होगा। कॉमन सेंस, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या हुआ? ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो कि कहां है, परपेंडिकुलर, सच वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, किसके कंटेनिंग ए एंड सी, ए एंड बी क्रॉस सी, वेक्टर ए एंड बी क्रॉस सी। यस सर, ए और बी क्रॉस सी को कंटेन करने वाले प्लेन के परपेंडिकुलर जनाब है ये, दिखा कि नहीं, बोलो। यस सर, वेरी गुड, अब ध्यान से सुनते जाना पूरी बात। इसका मतलब भाई एक प्लेन रहा होगा जिस प्लेन में ए और बी क्रॉस सी होंगे, ये बात दिखी सबको कि नहीं, सोचो। उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये कहानी कितने लोगों को समझ आई? अरे आया ना, हाँ सर, गुड। आप सोचो कॉमन सेंस, बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है ये वेक्टर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन पर बी और सी, मतलब ये इसी प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन पे होगा कि नहीं? यस सर, यानी ये वेक्टर उसी प्लेन पे होगा जिस प्लेन पे ए क्रॉस बी क्रॉस सी होंगे, उसी प्लेन पे बी और सी भी होंगे। अरे हाँ है ना, नहीं दिखा? यस सर, हाँ। बी क्रॉस सी इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, यानी इस वेक्टर के पैरेलल होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। यस सर, इसका मतलब ए क्रॉस बी क्रॉस सी उसी प्लेन पे होगा जिस प्लेन पे कौन से दो वैक्टर होंगे, बी एंड सी। इसका मतलब दिस वेक्टर, ये वेक्टर कहाँ लाई करता है, हम ऐसे ही बोल सकते हैं ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर है, सच वेक्टर विच परपेंडिकुलर टू, बोलो, ए एंड लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग इसको वेक्टर बी एंड सी। अब ये भी कॉमन सेंस भी है ना, बी और सी में लाई करता है, देखो इसकी वैल्यू लैम्डा बी प्लस म्यू सी तो लिखी है, लिखी है कि नहीं? अगर दो वेक्टर हैं, बी और सी दो वेक्टर है, तो उसके प्लेन पे लाई करने वाला हर वेक्टर क्या होगा, लैम्डा बी प्लस म्यू सी तो होगा। अरे आया ना, बोलो भाई, होगा ना? yes, और ये उसी टर्म में लिखा है, इसीलिए समझ में आया। ए क्रॉस बी क्रॉस सी कैसा वेक्टर है, एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी क्रॉस सी दोनों के
परपेंडिकुलर है पहली चीज, या बी और सी को कंटेन करने वाले प्लेन पे है और ए के परपेंडिकुलर। नहीं समझे बोलो भाई। यस सर। गुड। और वो इसलिए भी है क्योंकि ये क्या लिखा हुआ है, लैम्डा बी प्लस म्यू सी के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये उसी प्लेन पे है जिस प्लेन पे कौन से दो वेक्टर हैं, बी और बी और सी। फील आया होगा, नहीं आ रहा बोलो भाई, समझ आया कि नहीं? गुड। अब सोचो, लिख लिया ये? अब सोचो अगर हमें लिखना हो अ यूनिट वेक्टर कंटेन अ यूनिट वेक्टर लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी एंड परपेंडिकुलर टू ए। तो वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये बात कितने लोग समझ पाए बोलो। यस सर। या मैं ऐसे बोलूं, अगर यही चीज आपको कोई क्वेश्चन दिया हो जहां पे आर डॉट ए जीरो दिया हो और कहा हो आर लाई ऑन प्लेन कंटेनिंग वेक्टर बी एंड सी, तो तुरंत आप आर कैप क्या लोगे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस। ये सब कितने लोग समझ पा रहे हो भाई, आर एक ऐसा वेक्टर है जो ए के परपेंडिकुलर हो उस प्लेन पे जिसपे बी और सी है, तो आर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर यही होगा कि नहीं? हाँ या ना जवाब देना। और ये क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा होता है हमेशा, ये क्वेश्चन में आपको हमेशा डायरेक्ट लिखा मिलेगा क्या ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझ पाए नहीं समझ पाए? ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर है जो बी और सी के प्लेन पे है और ए के परपेंडिकुलर है। समझ पा रहे हो? बोलो भाई। लिख लिया पक्का ना? अब देखो जैसे इतनी देर से जो बात चल रही थी वो क्या थी, ए और बी दो एक्टर हैं, सी उसके कोप्लेनर है। अरे हाँ ना। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम वेक्टर सी को एज्यूम करेंगे लैम्डा ए प्लस म्यू बी, मेथड वन समझा रहा हूं मैं बोलो, या यूनिट वेक्टर निकालना है तो लैम्डा सॉरी ए प्लस लैम्डा बी और सी डॉट ए को क्या कर दोगे जीरो, यहां से क्या फाइंड करोगे लैम्डा, लैम्डा पुट करके सी कैप निकाल दोगे। मेथड समझ में आया कि नहीं बताओ बोलो भाई।
यस सर, बट ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। दूसरा मेथड सोचो, इन दोनों के प्लेन में वेक्टर है सी और ए के परपेंडिकुलर है, तो हम सीधा सी वेक्टर ये बोल दें तो कोई दिक्कत? बताओ, इसी का हम यूनिट वेक्टर निकाल देंगे। ए और बी के प्लेन में, ए के परपेंडिकुलर, यही तो हुआ, दो के प्लेन में तीसरे के परपेंडिकुलर। अरे हाँ है ना। अच्छा ये लिखना हमारे लिए आसान हुआ कि नहीं, ए डॉट बी टाइम्स ऑफ ए माइनस ए डॉट ए टाइम्स ऑफ बी। अब हम ए डॉट बी आराम से निकाल सकते हैं कि नहीं बताओ जरा। 2 + 2 - 1 मॉड ऑफ ए आराम से निकाल सकते हो कि नहीं, बोलो। अब ये कितना आया, 3 times of A - 6 times of B, तो 3 times of A कर दो, तो 6i + 3j + 3k और -6i - 12j + 6k ऐड कर दो, कितना आ रहा है, -9j + 9k, तो आंसर आ गया k - j/√2। कितने लोग समझे भाई, जल्दी हो गया कि नहीं कैलकुलेशन? सिर्फ ऑब्जर्वेशन किया मैंने कि अगर हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो दो के कोप्लेनर और तीसरे के परपेंडिकुलर है तो वो वेक्टर हमेशा होता है। अच्छा इसी का यूनिट वेक्टर अगर देखना होता तो यूनिट वेक्टर क्या देखते, इसी से क्या कर देते, डिवाइड। अरे हाँ या ना, बोलो भाई, कितने लोग ये कहानी समझ रहे हो, कितने लोग ये बात समझे जो मैंने लिख दी भाई? Yes. पक्का ना सर? मेथड टू एक और बार समझा दीजिए। क्या नहीं समझे मेथड टू में, वही समझा सर। ए क्रॉस मतलब ये आपने स्टेटमेंट कैसे लिख दिया, ए क्रॉस ब्रैकेट में ए क्रॉस सी वेक्टर क्या है, बोलो सी वेक्टर किस प्लेन पे है? सी प्लेन है ए और बी, बी ए और बी के प्लेन पे और किसके परपेंडिकुलर है, ए के। क्या लिखोगे, समझे बात नहीं? अरे नहीं समझे, आया ना ए क्रॉस बी क्यों आया? अरे भाई साहब, ए क्रॉस बी क्रॉस सी वेक्टर क्या होता है बताओ, बताना शुरू करो। ये वेक्टर क्या होता है, ये वेक्टर किस प्लेन पे होता है, किसके परपेंडिकुलर होता है, बोलो। तो ये प्लेन हो जाएगा बी क्रॉस बी और सी के क्रॉस पे, नहीं नहीं ए के भाई बार उल्टा पुल्टा, ये वेक्टर उस प्लेन पे होगा जिस प्लेन पे बी और सी होंगे। हाँ वही बोला। और किसके परपेंडिकुलर होगा, ए के। अब सोचो हमें एक ऐसा वेक्टर निकालना है जो ए के परपेंडिकुलर है और बी सी के प्लेन पे। अरे हाँ या ना, यस। तो उसको क्या लिखोगे, ए क्रॉस बी, समझे कि नहीं सर? ऐसे इसे इसी से तुम सेम ऐसा ही क्वेश्चन होगा लेंगे, वही तो समस्या, तुम 50 क्वेश्चन करने के फेर में रहते हो। ये हो गया ए वेक्टर, ए ऑप्शन 3i + 2j + 6k, बी वेक्टर हो गया 2i + j + k और सी वेक्टर हो गया i - j + k। तो जो आर वेक्टर आपको चाहिए वो हो गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये समझ में आया होगा? अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब होता है ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी माइनस ए डॉट बी टाइम्स ऑफ सी। व्हाट इज ए डॉट सी, 3 - 2 + 6 और व्हाट इज ए डॉट बी, 14 6 + 2 + 6 = 14। तो ये वेक्टर आ गया 7 times of B and 14 times of C, तो 7 times of B तो 14i + 7j + 7k और -14i + 14j - 14k, तो कितना आया ये, आई और आई खत्म, 21j - 7k अपॉन यही। अब इसका यूनिट वेक्टर निकाल दो तो कितना आ जाएगा, 3j - k/√10। यही आंसर हो गया। यस आया, हां यस।
यस सर आ गया, समझ गए ना ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या होता है, फीलिंग आया जो दो क्रॉस में लिखे yes, उसके प्लेन पे और जो एक क्रॉस लिखा है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है तो गुड समझ गया मतलब कि। अब देखो जरा, अब मैं अगर आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी तो इसका मतलब तो आपको पता है ये इक्वल नहीं होता किसके, किसके इक्वल नहीं होता, ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, दोनों बातें अलग अलग है ना, ये वेक्टर किस प्लेन पे है बी और सी के, ये वेक्टर किस प्लेन पे ए और बी, ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है ए के, और ये वेक्टर किसके परपेंडिकुलर बी के, तो सारी बातें सेम नहीं है, नहीं है। अब ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अपन क्या लिखते हैं, ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी, अब इसको याद रखने की टेक्निक सिंपल है, पहले बी बाद में सी, जब बी लिखोगे तो ए और सी का डॉट लोगे और जब सी लिखोगे तो ए और बी का डॉट माइनस ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी, ऐसे ही सोचो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को क्या लिखोगे, इसको ए डॉट बी डॉट, अच्छा सॉरी ऐसे सोचो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को पहले लिखोगे सी क्रॉस ए क्रॉस बी, ये फील आया कैसे, और फिर डॉट लगाओगे तो आएगा सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए और सी डॉट ए टाइम्स, यही याद रखिएगा, सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी कोई दूसरा फॉर्मूला रट्टू पोपट की तरह मत रट लीजिएगा, ये आएगा बी माइनस, जहां जरूरत पड़ेगी तो माइनस कॉमन करके उसको कन्वर्ट कर देंगे, क्या ये हमें दोनों रिजल्ट समझ में आ रहे हैं, अरे बोलो भाई, तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मतलब क्या होता है, बाकी सब हम उससे निकाल लेंगे, कितने लोग ये सब कहानी समझ रहे हो, बोलो भाई yes। हो गया अभी नोट कर रहा, नोट कर लो, नोट करो, लीनियर नहीं है ठीक। अब मेरा पहला सवाल, ए क्रॉस बी क्रॉस सी को अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा, माइनस, मैं उसका फॉर्मूला कुछ याद नहीं रखता, मैं ऐसे लिखता हूं पहले इसको, फिर मैं इसको ऐसे लिखता हूं सी डॉट ए, सी डॉट बी है, सी डॉट बी आएगा पहले, हाँ सही गुड, सी डॉट बी टाइम्स ऑफ वेक्टर ए और प्लस सी डॉट माइनस, नहीं माइनस माइनस प्लस कर दिया ना मैंने, ओके सर सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी, अल्टीमेटली मैंने क्या लिखा सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स, अच्छा ए और बी कैसे वेक्टर हैं, नॉन कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, अच्छा ये रिजल्ट हमें दिया क्या है, 1/3 मॉड बी मॉड सी टाइम्स ऑफ ए, इसका मतलब सी डॉट ए टाइम्स ऑफ बी माइनस सी डॉट बी टाइम्स ऑफ ए इक्वल टू 1/3 मॉड बी मॉड सी ए, ध्यान से सुनना ए और बी कैसे वेक्टर हैं भाई, नॉन कोलिनियर, और नॉन कोलिनियर वेक्टर के कोफिशिएंट आपस में क्या किए जा सकते हैं, सेम कंपेयर, याद है यस सर, इसका मतलब जो बी का कोफिशिएंट यहां होगा वही यहां होगा, जो ए का कोफिशिएंट यहां होगा वही यहां होगा, तो बताओ सी डॉट ए की वैल्यू कितनी आएगी, 0 यानी एंगल बिटवीन ए एंड सी 90 अगर पूछा गया होता तो, ठीक, अच्छा B डॉट C की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 1/3 मॉड B मॉड C, B और C के बीच का एंगल अगर हम थीटा कह दें तो मॉड B मॉड C cos थीटा माइनस 1/3 मॉड B मॉड C हो जाएगा, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 1/3 तो थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट या सेकंड, सेकंड, तो cos थीटा अगर हमें पता और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है sin थीटा प्लस होगा या माइनस, प्लस वो क्या आएगी 1 - 1/2 √2/ लैंग्वेज समझेगी नहीं,
अगर ए और सी के बीच का एंगल पूछा गया होता तो आंसर क्या होता, 90. बी और सी के बीच का एंगल पूछा गया होता तो आंसर होता थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 2/3 या थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/√3 या पाई -cos inverse 1/3. समझ पा रहे हो कि नहीं ये सर? यस सर. तो इस तरह के भी क्वेश्चन इसमें आ जाते हैं. देख लीजिए कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए. अरे हाँ या ना. नोट कर रहे हैं हम. कर लो भाई. फिर एक चीज और बतानी है, फिर आज की क्लास बाइंड अप. वेक्टर मैप पढ़ाने के लिए मेरे पास दो रिजल्ट और लिखते हैं. ए बी सी एंड डी आर 4 नॉन जीरो वेक्टर्स. पहला A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D, ये होता है मॉड ऑफ A डॉट C A डॉट D B डॉट C B डॉट D. दूसरा A क्रॉस B क्रॉस C क्रॉस D, ये होता है क्या, बॉक्स ऑफ A C D, B C D, पहले C लिखेंगे ना, A B D times of C minus A B C times of D, ये दो रिजल्ट है. पहला वाला स्केलर पे है, दूसरा वाला वेक्टर पे, चार वेक्टर पे. देखो पहला वाला रिजल्ट तो आराम से प्रूव होता है, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, A क्रॉस B डॉट C क्रॉस D है, तो आप इसको A डॉट B क्रॉस C क्रॉस D बोल सकते हो कि नहीं, ये बताओ. ये कैसे लिख दिया, समझ में आया बाकी लोगों को? नहीं आ रहा होगा क्या ये? अगर हम इसको एक वेक्टर की तरह ट्रीट कर लें तो क्या ये बॉक्स ऑफ ए बी सी क्रॉस डी लिखा, ये फीलिंग समझ में आ रही है? नहीं. यस सर. तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बी क्रॉस सी क्रॉस डी डॉट ए. अच्छा, अगर हमने ये लिखा तो ये है ए डॉट, आगे इसको लिखोगे तो आएगा बी डॉट डी टाइम्स ऑफ सी वैक्टर माइनस बी डॉट सी टाइम्स ऑफ डी वैक्टर. तो ये क्या बन जाएगा, ए डॉट सी टाइम्स ऑफ बी डॉट डी और माइनस ए डॉट डी टाइम्स ऑफ बी डॉट सी. तो सोचो ये क्या लिखा हुआ है, मॉड ऑफ ए डॉट सी ए डॉट डी बी डॉट सी बी डॉट डी. यही तो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले. अरे हाँ है ना. तो याद रखने की टेक्निक सिंपल है, ए का इन दोनों से डॉट, बी का इन दोनों से डॉट, डिटर्मिनेंट सिंपलीफाई. क्या ये बात समझ पाए, नहीं समझ पाए बोलो. अच्छा अब अगर यहीं पे हम क्रॉस प्रोडक्ट की तरह लिखते तो क्या लिखते, ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, तो क्या लिखते सोचो. अब ये सी क्रॉस डी हो जाता तो ये वेक्टर सी और डी के प्लेन पे अगर हमें लिखना होता तो हम लिखते ए क्रॉस बी डॉट डी टाइम्स ऑफ सी माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी टाइम्स ऑफ सी कितना डी. अरे बोलो यार, तो ये क्या आ जाता, बॉक्स ऑफ ए बी डी टाइम्स ऑफ सी बॉक्स ऑफ ए बी सी टाइम्स ऑफ डी. अच्छा क्या हम इसको ए और बी के टर्म में भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए और बी के टर्म में रिवर्स में क्रॉस करके लिख सकते हैं? तो माइनस, हाँ माइनस आ जाएगा. ये रिजल्ट समझ में आया, ये वाला रिजल्ट यूज हुआ है एक आध बार, तो ये याद कैसे रखेंगे, समझ में आया नहीं आया? ए का दोनों से डॉट पहली रो, बी का दोनों से डॉट दूसरी रो, और ये स्केलर होगा ही, इसमें कहीं कोई डाउट है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो अपनी बात रख सकते हो अभी तुरंत. दूसरे